सो है गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल राधा रजवंशी एंड आपका मेरे चैनल पे बहुत स्वागत है। तो आज आप देख सकते हैं मैं रेडी हूँ बिल्कुल न्यू दुल्हन की तरह। वैसे तो अभी न्यू हो ही क्योंकि शादी के अभी 4 मंथ हुए हैं। तो अभी आज मैं फर्स्ट टाइम बैठ रही हूँ पूजा पे अपने हस्बैंड के साथ, जो सत्यनारायण भगवान का पूजा होता है वो। तो मेरे हस्बैंड आ गए हैं जो अभी रेडी हो रहे हैं, तो पता नहीं पूरा कैप्चर कर पाएंगे या नहीं, बट तो चलिए ब्लॉग पे बने रहिए और आई होप आप लोग को ब्लॉग अच्छा लगे। और मैं कितना कैप्चर कर पाऊँगी पता नहीं, क्योंकि पूजा होगा तो पूजा के बीच में तो मैं कैप्चर नहीं कर सकती, बट थोड़ा बहुत अगर कर पाई तो शेयर करूँगी। और कैसा लग रहा है मेरा साड़ी जरूर बताइएगा। और पूजा यहीं पर होने वाला है, अभी पूरा तैयारी नहीं हुआ है, थोड़ा बहुत हुआ है, पूरा सामान उधर रखा है मंदिर में। तो चलिए ब्लॉग पर बने रहिए। और मैं आज गजरा आज भी लगाई, मेरे को गजरा बहुत अच्छा लगता है। तो सो गाइज, यहाँ पे पंडित जी आ चुके थे और देख सकते हैं पूजा का पूरा तैयारी हो चुका था और हम लोग पूजा पे बैठ चुके थे। और बैठ चुके थे मतलब पूजा स्टार्ट नहीं हुआ था, बट हाँ तैयारी शुरू हो गया था होने का। और फर्स्ट टाइम हम दोनों साथ में पूजा पे बैठे थे और मेरा तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं था, इस दिन फीवर भी था, बट मेरे को बैठना था मतलब पूजा में फर्स्ट टाइम, तो एक्साइटमेंट था और मुझे बहुत मन था तो मैं कैसे भी बैठी। तो वीडियो को इन तक देखिए, और जो लोग सत्यनारायण भगवान का कथा नहीं देखे हैं, जानना चाहते हैं कैसे होता है तो देखिए, क्योंकि मैं पूरा वीडियो डाल रही हूँ पूजा का विधि सब कुछ और कैसे क्या की मैं। हम लोग आरती किया क्या आरती किए, उसके बाद हवन करने के बाद इतना ज़्यादा धुआं हो गया था पूरे रूम में, आप लोग देखना और इन्जॉय करिएगा। तो चलिए, और देख सकते हैं आप लोग स्टार्ट हो चुका है विधि अब। और यहाँ पे मैं अभी पूजा स्टार्ट नहीं हुआ था इसलिए मैं सोची थोड़ा सा कैप्चर कर लेती हूँ इधर साइड रख के फ़ोन, क्योंकि फिर पूजा स्टार्ट हो जाएगा तो पूजा तो मन से करूँगी तो वहाँ पे कैप्चर कर नहीं पाऊँगी, तो इसलिए यहाँ पे कर ली थी। एंड फिर यहाँ पर आएंगी, फिर कभी भी हस्बैंड वाइफ पूजा पे बैठते हैं तो गठबंधन होता है, तो यहाँ मेरी सासू माम जो हैं वो वहीं गठ जोड़ रही थी यहाँ पर। Thank you.
Ah.
सब चौकी पर रखा। सुनते हैं कि भगवान ऐसे थे कल पर व्रत और उपवास। व्रत किस लिए करते हैं? तो उसमें क्या हुआ नहीं बन, जैसे आप क्या हमने आज बोले पंडित को कुछ नाश्ता कर दीजिए, हम बोले कि नहीं तो हमको पूजा करना। तो किसका पूजा करना है? जो सत्य नारायण, ये जो सत्य नारायण जो हमने जीव बढ़वा दिए, यही आपकी व्रत है, यही आपकी पूजा है। बाद बाकी अभी जो भी हम कथा करेंगे इसको जो है घुमा दें फलाने आदमी ने किया तो उसका। तो कथा किसकी कहेंगे? कथा तो बनी नाम की ऊर्जा वो व्रत भी हो गया, पूजा भी हो गया और कथा भी हो गई और ब्राह्मण का भोजन जो करा दिए तो भगवान का सब पढ़ने के बाद कहते हैं दक्षिणा दीजिए भगवान को चलाइए दो बार उनकी बोलन। उसी प्रकार से जब ब्राह्मण खिलाए जाते हैं तो उनको प्रश्न कोई मतलब नहीं, तो खिलाने का कोई सत्र नहीं है। तो आज हम लोग इनकी पूजा कर रहे हैं। ये कौन किए थे? सदानंद। सदानंद कौन थे? तो सुदामा जी थे। एक समय की बात है कि हमारे मृत्युलोक में जब भगवान देवलोक में गए तो यहाँ सब हम लोग मृत्युलोक में तो सब जो है धूप साफ पाप करना शुरू करेंगे। तो हमारे ऋषि महर्षि 88,000 थे, वे सब लोग नैमी सारण्य में एकत्रित हुए। ये पूजा चला है नैमी सारण्य में अपने लाख गुरु के शरीर पर प्रहार किए, विष्णु भगवान का सीना में लग गया। विष्णु जी ने उनको याद हो गई कि सारे ऋषि महर्षि एकत्रित हुए, हम यहाँ सही करते हैं। ब्राह्मण को उनको जगाया, जग जगह उनके पांव को पकड़ के दबना शुरू कर दिया कि महाराज कहीं आपको चोट तो नहीं गोड़ने लगा, क्योंकि छतरी का सीना जो है पत्थर के समान होता है तीर कमान को मारने के लिए, और एक निर्मल फूल पर चलने वाला ब्राह्मण का पांव हमारे सीना पर लगा कहीं चोट तो नहीं लगा। लेकिन लक्ष्मी जी उनके बगल में थी, बोले मेरे पति का कोई गलती नहीं, बात नहीं, चीत नहीं, मेरे पति को आकर के ब्राह्मण रात बात जाकर चोट नहीं लगा, माफी मांग रहा है, इसको तो हम श्राप देंगे। बोले कि ऐसा तुमको नहीं करना होगा, जो नहीं श्राप तो मैं दूंगी, आप नहीं दोगे मैं दे दूंगा। वही तो लक्ष्मी जी वहीं पर बोली ना, ब्राह्मणवती दलित रो हम इच्छा के लब तम हिम हो बार में जदि जाना सी कि पांच तुम हे प्रभु हे ब्राह्मण जाओ तुम दलित हो जाओ। और दिन भर उपवास करें, शरबत पानी पिए, सायंकाल में ब्राह्मण को बुलवा करके और श्रोता लोग एकत्रित होकर के भगवान की पूजन करें और कथा करें। हुआ कि इस पूजा को कौन किया? प्रेम से बोले श्री सत्यनारायण। अब हुआ इस पूजा को कौन किए?
तो सदानंद नामक ब्राह्मण सुदामा जी या कृष्ण भगवान की कहानी जानते होंगे सब लोग है। तो सदानंद नाम था सुदामा जी का। सुदामा जी या कृष्ण जी एक स्कूल में पढ़ते थे, वहाँ पर जो है एक रोज चना लेकर के सुदामा जी पहले खा गए। कृष्ण ने पूछा भैया तुम टिफिन में खा लाया? तो मैंने ब्राह्मण कुछ नहीं लाया था, तो चार तरह उनको चना मिला वही तो खाए। तो फिर कृष्ण जो लेके गए उसमें बिचौल करके दूर वही चना खाने के कारण से सुदामा जी गरीब। एक दिन इनकी पत्नी बोली कि आप इतना बड़ा मित्र है, उनके यहाँ बहुत से लोग नौकरी चाकरी करता है, अभी जाके कोई काम मांगो, कोई काम करो, छात्र से क्या होता है, इसमें कुछ संस्कृता नहीं, घर परिवार चलता नहीं है, वो तो कलह होता है। बहुत कहने के बाद सुदामा जी हिम्मत बढ़ा के चले, जा नहीं रहे, लेकिन पत्नी के कहने पर हिम्मत बना करके उस दरबार में पहुंचे। तो इनकी कपड़ा तो फटी हुई थी, बड़े बड़े व्यवहार फटे हुए थे, मैले कुचरे में थे और लंबे बहुत थे, और धोती उनका जो है ठगने भर का होता। एक डंडा लेकर के वहाँ पहुँचे, द्वारपाल से जा करके बोले कि भाई मेरे को कृष्ण से भेंट करना। बोला कौन है, कहाँ से आया? बोला कि देखो मेरा नाम जाके बोल देना सुदामा जी, और ये हमारे मित्र हैं, इतना ही संदेश दे। और द्वारपाल कहते कि है कितना बड़ा आदमी के दोस्त है, नदिया पर कपड़ा है, लाता है, महिला को चले आ गया, सब किया गया। घंटा दो घंटा बिछाई इंतजार किए। इसके बाद जो है उसमें एक बूढ़े ब्राह्मण जो था दरबार, बोला आप कोई कहेगा नहीं, वो आएगा नहीं, बड़ा आदमी है, चलो हम कितना देर में कहीं गांव में घूमे रहते तो सिर पर चावल मिल जाता, तो दोनों प्राणी का भोजन। उन्होंने जा करके उनको कहा कि एक बूढ़ा सा ब्राह्मण बड़े लंबे है, गोड़ में व्यवहार फटे हुए हैं, शरीर पर उनका वस्त्र भी नहीं है, लाठी लेकर के ठेलते हुए आए हैं, और सरकार आपका बोले हैं नाम कि वे जो है मित्र हैं, उनसे हमको थोड़ा मिला दो, और अपना नाम बताया है कि मेरा नाम बता देना सुदामा जी। अब वो पत्नी के साथ बैठे हुए थे, कलोल कर रहे थे, उतना ही में जैसे सुदामा सुने अपनी गमछा दुपट्टा को फेंके वहाँ से दौड़ पड़े। गोड़ में चप्पल खड़ा हुआ है कि नहीं है कुछ, कृष्ण का सुधी नहीं था। अब जब तक जो है सुदामा जी अपने घर की ओर वापस आप इधर आ गई है। पूर्ण नमः स्वाहा स्वाहा, उमा महेश्वराभ्यां नमः स्वाहा स्वाहा, मानी हंसभ्यां नमः स्वाहा देवताभ्यो नमः स्वाहा, स्थान देवेभ्यो नमः स्वाहा, सर्वेभ्यो नमः स्वाहा, नमः स्वाहा, सूर्याय नमः स्वाहा, स्वाहा नमः स्वाहा, स्वाहा नमः स्वाहा, बुद्धाय नमः स्वाहा, ॐ ब्रह्म नमः स्वाहा, ॐ सूर्याय नमः स्वाहा, ॐ संसंस्त्राय नमः स्वाहा, ॐ रामदाहवे नमः स्वाहा, ॐ कल्केतवे नमः स्वाहा, सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः स्वाहा, सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः स्वाहा, अभ्यनाये स्वाहा, सुजनाये स्वाहा, चतुक्षसे स्वाहा, श्रोताये स्वाहा, स्वाहा 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 स्वाहा। ओम जय जगदीश।
स्वामी शरण गो मैं किस की तुम विनय दो तुमको मैं यहाँ पे आ गए थे किचन में और सब कुछ बन चुका था। मैं तो कुछ बना ही नहीं थी और आप लोग बाल देख सकते हैं कैसा हो गया है क्योंकि सर पे चुनरी वगैरह रखने से। और मैं जल्दी जल्दी उठी थी, थोड़ा लेट हो गया था मुझे उठने में क्योंकि मैं जैसा कि बताई मैं तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं था, फीवर भी था एंड पूरा गले में दर्द था। तो देख सकते हैं आप लोग आज मेरा चढ़ा चढ़ा सा लग रहा होगा बिकॉज वो फीवर की वजह से हुआ है। तो मैं लेट ही उठी थी तो मैं कुछ खाना बना नहीं पाई थी, तो सारा माँ ही बनाई थी। मैं बस पूजा पे बैठी थी और यहाँ पे मैं आई थी खाना निकालने के लिए मेरे फादर इन लॉ ससुर जी मतलब एंड पंडित जी के लिए। तो मैं सोची थी कि यहाँ पे पूरी छानने में हेल्प कर देती हूँ माँ का, बट थोड़ा ही सा छानी थी फिर मैं खाना देने चली गई थी।
उन लोगों के लिए, क्योंकि कोई नाश्ता किया नहीं था। 12 बज गया था पूजा होने ख़त्म होने में, और मेरे हस्बैंड भी नहीं खाए थे, कोई नहीं खाया था, इसलिए मैं सोची कि जल्दी जल्दी बन जाएगा तो फिर सब खा लेंगे। और मुझे बस लग रहा था कि जल्दी से सब लोग खा लें, उसके बाद मैं बस सो जाऊं, क्योंकि एक अजीब सा मन हुआ था, ना खड़ा हुआ जा रहा था ना कुछ, क्योंकि आप लोगों को पता है अगर फीवर हो जाता है तो कैसा मन हो जाता है बिल्कुल, और ये मौसम चेंज होता है तो हो ही जाता है। मुझे थोड़ा जल्दी हो जाता है, कोई भी चीज़ बहुत जल्दी हो जाता है। तो यहाँ मेरे हस्बैंड आए थे किसी काम से, और फिर बोले कि हाँ नाश्ता मुझे भी दे देना, तो मैं यहाँ पे नाश्ता निकाल रही थी, फिर सोची मैं इनको भी दे दूँगी, बट पहले पंडित जी को खिलाने के बाद ही, क्योंकि अगर कथा होता है तो सबसे पहले पंडित जी को खिलाया जाता है, उसके बाद ही कोई खाता है, तो इसलिए मैं पंडित जी और फादर इन लॉ के लिए निकालने आई थी। एंड पूरी छान चुका था, मैं छान दी थी, और यहाँ पे और माँ छान रही थी, और यहाँ जितना देना था मैं यहाँ खाना निकाल रही थी, खीर बना था एंड पूरी और सब्जी। और ये देख सकते हैं ये सब फैल चुका है, जब हवन हो रहा था बहुत ज़्यादा ही हो गया था, पूरा धुआं धुआं सा, इसलिए ऐसा हो गया पूरा फैल के। और एक चीज़ पूछना था, अगर मान लीजिए हम लोग कलश पे नारियल रखते हैं, अगर वो जम जाता है तो उसका कुछ महत्व है क्या है? अगर आप जानते हैं तो बताइएगा कि वो नारियल फोड़ के खा सकते हैं प्रसाद के रूप में, या क्या करना चाहिए? अगर किसी को पता होगा तो बताइएगा। हम लोग जो कलश में नारियल रखे थे उसके ऊपर जम गया है, तो नहीं समझ में आ रहा है तो बताइएगा, ठीक है? तो पूजा संपन्न हो गया और मन को शांति भी मिल गया। आज मेरा बिल्कुल भी मन ठीक नहीं था, फिर भी मैं सोची कि पूजा पे बैठूंगी, क्योंकि फर्स्ट टाइम था मेरा इसलिए। और चूड़ा कैसा लग रहा है बताइएगा। तो चलिए ब्लॉग पे बने रहिए, या क्या बोलूँ, ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। अगर ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब एंड जितना हो सके शेयर, क्योंकि अब क्या कैप्चर करूँगी, पूजा वगैरह सब हो चुका है, सब लोग खाना भी नाश्ता भी कर लिए हैं, और टाइम हो गया है 12 बज रहा है। तो चलिए वीडियो कहीं पे एंड करते हैं, तब बाय।